नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट 5-1। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेले गए अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम की हार की कई वजह रही, तो आइए जानते हैं टीम इंडिया की हार की कुछ खास वजह। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस अहम मुकाबले में कप्तान कोहली का टॉस हारना भारतीय टीम की हार का कारण बनी। इस वर्ल्ड कप में टॉस का रोल अहम रहा है। ज्यादातर मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, और इस मुकाबले में भी यही हुआ। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ज्यादा डॉट बॉल, इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने 54 गेंदें डॉट खेली। भारतीय टीम सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के ही लगा पाई। भारतीय बल्लेबाजों ने छठे ओवर की पहली गेंद के बाद सीधे 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर ही चौका लगाया। ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर हुए फेल। भारत ने इस मुकाबले में चोटिल सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को मौका दिया। उन्हें रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने के लिए भेजा गया, लेकिन ईशान किशन को पारी के 3रे ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेट बोल्ट ने 4 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं भुवनेश्वर कुमार की जगह मैदान पर उतरे शार्दुल ठाकुर ने भी निराश किया। वह बल्ले और गेंद से कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। रोहित, राहुल और कोहली भी नहीं कर पाए कमाल। इस मुकाबले में 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा ने एडम मिलने को एक चौका और एक छक्का जड़कर बड़ी पारी खेलने के संकेत दिए, लेकिन इस सोडी की शॉर्ट पिच गेंद पर मार्टिन गुप्टल को कैच दे बैठे। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जमाने वाले कप्तान विराट कोहली 3 विकेट गिरने के बाद दबाव में आ गए और इस सोडी की गेंद पर बोल्ट के हाथों में कैच थमा बैठे। वहीं केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। क्रिकेट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट की कोई भी खबर आप मिस ना करें।